नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और आज हम पहुंचे हैं बसेलवा कॉलोनी गली नंबर 10। और आप देख सकते हैं यहाँ पूरी गली इकट्ठी है, तमाम गली के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और क्या हुआ है वो हम आपको बताएंगे, जानेंगे कि क्या घटना हुई थी। क्या नाम है आपका? साहिल नाम है। साहिल जी, क्या हुआ है? जी कुछ नहीं, एक 16 का केस था, ये 2 महीने पुराना था। तो उसमें 3 तारीख को कोई झगड़ा हुआ था 16 सेक्टर में। अच्छा, 3 तारीख कौन सी? 3 तारीख थी, मतलब 6 महीने की थी जी, ठीक है। हाँ, जून की। तो थे तो जी 7 की, ऐसी बात तो नहीं। बार उसमें मतलब मेरा नाम आ गया था। अच्छा। जबकि मेरी वाइफ की डिलीवरी थी, तो मतलब उस टाइम पे डिस्चार्ज हुई थी 3 तारीख को, तो मेरे गाड़ी का भी नाम था उसमें। तो गाड़ी के तो मैंने इंश्योरेंस पर डाले, तो प्रूफ दिखा दिए थे पुलिस प्रशासन को। उसके बाद उन्होंने क्या करा, मतलब उन्होंने बोला कि तू है फिर साथ में। तो मैंने भी अपने मतलब जैसे भी कि थोड़ा बहुत दिखावेगा कि जी बात भी करेंगे उसके। 29 सेक्टर में कुछ दुकानें थी, उनसे मैंने बताया, उन्होंने भी बात नहीं होगी और तू था, ये था, वो था। 2-3 बात उनने कही, फिर भी जैसे जैसे बात बात करवा करवा के थोड़ा मतलब जैसे जो भी विटनेस थे, जो भी जिन्होंने पहले लड़ाई कर रखी, तो उन्होंने बोल दिया कि ये नहीं था, ठीक है। अब वो मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने कस्टडी 5 की दिखा रखी है। थे तो 7-8 कम से कम जितने भी थे। अब 5 में 4 तो गए पेश, अब ले दे के, अब बाकी के जिन्होंने ले दे रखा वो अपना नाम लिखवाना चाहता। तो सोचता कि 5 में मैं पेश हो जाऊं, मेरी उससे क्लियर बात हुई पड़ी है। मैंने कहा जनाब एक बात होता, जब मैं था नहीं, आप मुझे तफ्तीश में भी निकाल सकते थे। कह रहा तफ्तीश में निकालते तो पहले क्यों नहीं आया? मैंने जनाब पहले आपने आने कहा दिया, आप तो डायरेक्ट पेश की बोल रहे थे मुझसे कि तू पेश हो जा, जमानत करा ले कोर्ट से, तू एफिडेविट लगा दी वहां से तू निकल जा। जब मैं था ही नहीं, मैं क्यों तो जमानत कराऊं और मैं क्यों पेश हूं? आप तफ्तीश में निकालो ना, आप सीसीटीवी चेक करो। सर जी, ये जो झगड़ा हुआ था वो झगड़ा किस किसके साथ था? झगड़ा की तो मुझे नहीं पता किसके साथ था। पुष्कर नाम का एक लड़का था 16 सेक्टर में, ठीक है। तो उस झगड़े में आपका कोई मैटर नहीं था? मैं नहीं था उस झगड़े में, था नहीं, और मेरे मतलब कुछ साथी थे, मतलब ऐसी बात नहीं, जानकार थे, ऐसी बात नहीं, ठीक है। उनके चक्कर में नाम 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 फिर किसने लिखवाया? नाम किसी ने लिखवा, नाम जैसे किसी ने बोल दिया कि लाल गाड़ी थी उसमें, ये था ना, ये लड़ाई उस लड़ाई में था, ये उस लड़ाई में था। क्या नाम आपका? अनुराग। तो अनुराग जी, क्या हुआ था जब ये थे नहीं, तो इनका नाम जब आ गया गाड़ी साथ रहता, उन्होंने सोचा साथ रहता तो होएगा, इस चक्कर में लिखवा दे। उन पर कोई प्रूफ नहीं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, लाल गाड़ी थी, एक लाल गाड़ी किसी और की। उनने कहती यू साथ रहता है, उसी में रहता है साथ, भविष्य भाई की गाड़ी, भविष्य नाम भविष्य भाटी यहाँ रहता, तो उन्होंने उसमें गाड़ी थी, वो पेश होगी। जब तक पेश नहीं हो तो क्या का नाम लिखवा दिया कि यू साथ रहता है 24 घंटा, तो यू साथ होएगा ही होएगा। पुलिस कह रही थी कि मतलब तुम भी साथ हो। हाँ, जबरदस्ती साथ था, हमने मना करी, नहीं मानी कि तुम्हारे साथ था, हर 2-3 केस और मैं साथ था तो भी तुम्हारे साथ होएगा, मना करी, नहीं मानी कि पैसा देगी नाम कटेगा ब्याह का। जबकि इन्होंने प्रूफ भी दिखा दिए कि गाड़ी मेरी वहाँ थी और मैं यहाँ डिलीवरी आया। गाड़ी का जब प्रूफ दिखाया तब गाड़ी हटाई नहीं, गाड़ी हटाई नहीं रहते वो, तो गाड़ी इंश्योरेंस पे नहीं, अगर यही खड़ी रहती तो प्रूफ, गाड़ी भी नहीं हटा दी, पर नाम फिर भी नहीं, नाम फिर भी नहीं हटाया, घर पे आ गई जबकि मना करने के बाद भी। तो फिर आपने क्या वहां से उसके बाद देखो 24 तारीख है, ये रिटर्न में दे रखी है 24 तारीख की, देखो ठीक है, ये 24 तारीख की रिटर्न में दे रखी है, ठीक है। 24 तारीख मतलब उसके लिखित में दे देगी जी, इसमें जो भी लिख रखा उस लड़के ने लिख रखा, क्योंकि मैं उसके पास गया था कि भाई ये बता मैं था उस लड़ाई में जो तू मेरा नाम ले रहा, क्योंकि मतलब मुकदमा क्यों लूं मैं, नहीं बिल्कुल सही, जब मैं हुई नहीं उसमें, तो मैं उसके पास भी मिला तो उसने लिखित में दे दिए। पर उस पुलिस वाले को तुम्हें पता कैसे होता, प्रशासन उसको चाहिए था कुछ खर्चा पानी जो भी मिल जाए। तो उसके बाद उसने 18 तारीख है ये एफिडेविट भी लगा रखा, उसको बोली भी थी बात भी उससे कि कल एफिडेविट लगा देंगे कोर्ट में, पर वो तो ये चाह रहा है कि मुझे कैसे न कैसे घर से उठा ले और सीधा पेश करे कोर्ट में जाके, ताकि उसकी उसकी ड्यूटी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि 5 की कस्टडी दिखा रखी है, ये 4th बंदा उसमें, ठीक है। वो मुझे दिखा के पूरे 5 क्लियर हो जाएंगे जिनसे उन्हें ले दे रखा, कम से कम अब उनको कैसे पेश कर देंगे। 5 के दिखा रखी जिसमें 4 तो 4 पेश हो गए, पेश हो गए, 5 मुझे बलि का बकरा बनाना चाह रहा, मैं बलि का बकरा क्यों बन जाऊं? फिर उसके बाद सुनो, सुबह सुबह ऐसा होता 8 बजे आते हूँ मैं, ऊपर सो रहा था आज सुबह सुबह 8 बजे आते हैं, मैं सो रहा था ऊपर सिविल वर्दी में। अब एकदम आने के बाद गेट जोर जोर से खटखटा, अब थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े इधर उधर जैसे रहे, मम्मी ने सोचे पता नहीं कौन आया क्या, अब बता भी नहीं रहे क्या कह रहा, साहिल का हो गया है क्या, बात तो बताओ बात क्या क्या नहीं, ठीक है। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, मम्मी से थोड़ी बहुत बातचीत हुई, जैसे हल्की फुल्की गर्मा करें ऊंची आवाज में बात करते तो पता ऊंचे मम्मी ने थोड़ा कुछ बोल दिया होगा, तो ऊपर जैसी आए ना ऊपर से मुझे मतलब हाथापाई करने लग गई मेरे साथ। अब मम्मी घर फैमिली का कोई हाथापाई करके बात तो बता बात क्या, तो मम्मी को मतलब हाथ उठा दिया एक तरह से, उन्होंने हाथ उठाया, मम्मी फर्श पे गिर गई बेहोश हो गए। उसके बाद फिर मतलब बेहोश होने के बाद तब भी वो मुझे ले जा रहे, फिर मैंने जबरदस्ती करी उनसे, फिर गली मोहल्ले के सारे इकट्ठे हो गए जितने भी हैं, ये सारे इकट्ठे ले जा कैसा बता, क्योंकि जो एफिडेविट जो हम पे लिखे थे मैं राइटिंग में भी दे रखी उसे सब चीज, फिर भी क्यों चाह रहा हूँ मुझे पकड़ना, कोई निजी दुश्मनी है क्या है क्या नहीं है? और सिविल वर्दी में थे, क्या पता पुलिस वाले हैं कि कौन नाम है, उमेद नाम है, चौक इंचार्ज कांस्टेबल मैं नहीं जानता, उसका महावीर तो आईओ इसमें महावीर, उसके साथ एक उमेद नाम का था कांस्टेबल था, आईओ था जना क्या कॉन्स्टेबल ही था, ठीक है। वो आता उसको SHO बता दिया, ताकि उसकी गलत हम बदतमीज रखेंगे, हमारी फैमिली के साथ तो बदतमीजी होगी, मेरी मम्मी बेहोश पड़ गई, अब उसके बाद हाथ उठने वाला तो कह रहे SHO है,
तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसएचओ कैसे है, एसएचओ आ जाएगा कि सीधा लेने, और इतनी बड़ी कोई केस नहीं। उसकी एमएलआर भी नहीं, उस लड़के की जिस जो झगड़ा है ना उसके हल्के से खरोच भी नहीं, सिर्फ क्या हाथ छोड़ने का, 751 जो होते हैं लड़ाई झगड़े की वो है सिर्फ। अच्छा, और तीन लोग थे वो? हाँ तीन लोग थे जी, एक बाहर था और बाहर से अंदर नहीं आने दिया किसी को, सारे सारे कर ऐसा हाथ अड़ा लेकर बाहर नहीं आन दूंगा, अंदर नहीं जान दूंगा। वो तो कैसे कैसे करके भाई है बड़े जैसे में थे पड़ोस में, आप यही थे? मैं बहू का फोन छीन लिया था हाथ में थे, तो वो हमारे पास पड़ोसी के पास तो फोन करेगी, अब वो फोन छीन लिया तो बहू एकदम घबरा गई। फिर मैंने धोखे से फोन लिया बहू ने, कही कह रहे भाई मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे फोन तो कर लन दो, डॉक्टर आएगा। बाकी बाद बिन ने फोन दिया, जब हमारे पास फोन करा हम गए तो हाथापाई कर रहे थे, तो फिर हम मर के पड़े, हम झूठ नहीं बोल रहे, पुलिस वाले थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू पर, इसकी माँ पे हाथ छोड़ने की, कोई गलती थी तो लड़का से बोलते, और औरत पे तो हाथ नहीं छोड़ना था, ये बात हुई थी जी। फिर लड़का भी यही था? लड़का भी यही था, और भी इसके छोटी सी बच्ची लग रही थी, वो बच्ची भी गिर गई थी। जो बता रहे अभी दो महीने पहले बच्ची हुई है, ऐसे दो लड़की हैं, और दोनों लड़की चिल्ला रही थी पड़ोसी, एक लड़की पड़ोसी लेके भागे थे, फिर हम पड़ोसी सारे आ गए थे, जब हमने हाथापाई करी है कि हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तुमने ऐसे लेडीज के हाथ कैसे लगा दिया, बताओ ये कोई कानून है? ये कोई कानून है? थप्पड़ बताइए, हाथापाई करा ठीक है, मेरे सामने मारा था थप्पड़ों से, मम्मी बेहोश हो गई थी, भाई हम लेके चले गए हॉस्पिटल में, ठीक है, और भाभी से फोन छेड़ा है उनने, भाभी को भाभी से फोन छेड़ा है, और मम्मी पे मार लगाई है थप्पड़ों से। जबकि ऐसा तो कोई कानून भी नहीं बनता है, किसी को क्या मतलब है कि मारने को, और फिर जब आप आए हो तो अगला घर पे ही है। अरे मुझे सीधे तरीके से ले जाते ना, मैं था मिल गया हमें, मुझे ले जाओ जी आपके भैया के ले जाने का, तो देखो राइट है नहीं उनका, ठीक है फिर भी चलो मुझे ले जाते, कोई बात ना, बदतमीजी क्यों कर रहे घर में, इतना बड़ा क्या क्राइम कर रहे। जबकि ये सारे सबूत जो है वो आपने सारे सबूत दे रखे हैं, ये लो ये दे सकते हैं, ये रिटर्न में दे रखा है, 24 तारीख की ये रिटर्न में है, ये इधर थोड़ा सा कर ले, बारिश आ रही है क्योंकि इधर करें, ये देख सकते हैं फरीदाबाद के किस तरह से ये सारे सबूत में दे रखा। और फिर उसके बाद एफिडेविट देखो, 18 तारीख का एफिडेविट, डेट देख लो, डेट दिखा दो भाई, 18 तारीख का एफिडेविट इसमें ये देखो, और आज 19 है, और जबकि जिससे भी लड़ाई झगड़ा हुआ था जो भी है उसने कह दिया है कि रखा है, देख लो साइन है उसके, कोर्ट की मोहर लग रही है, हां नहीं है उसके जबरदस्ती, सारा चक्कर ये है जी, पैसा चाहिए मैंने पैसा, अब पैसा कहाँ से दे हम, जब बाहर पहरा कर रहे हैं, बताओ अंदर मार रहे हैं, दो अंदर कोई गुंडागर्दी कोई चोर, और मां बेहोश पड़ी है, और हम फिर भी लड़के को खींच रहे, मैंने वहां से देखा घर, वहां पे वहां से देखा एक बाहर पहरा दे रहा था, दो अंदर मार रहे, ऐसे कैसे मार, मां तो हम आप देख लेंगे, मां तो ड्रामा कर रही है, अरे तू थप्पड़ मार रहा है इसमें, वो मां ड्रामा कर रही है, उसको ड्रामा बता रहा है, आज तो इनके घर में करा है, कल हमारे घर में भी होगा ये काम, पुलिस हमें क्या पता, तुम पुलिस हो, वर्दी वर्दी पहन नहीं रखे, गुंडा भी हो सकता है, और पड़ोसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, वाले भी हो तो हाथ कैसे उठा, हाथ कैसे उठाएंगे, ऐसे हाथ कैसे उठा दिया, और वो भी लेडीज पे बेडरूम में जाके उसे मार रहा है, मैं तो देखो जाके अंदर क्या भी हो सकता है, पुलिस भी गुंडा बन गई, और आप मां दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे माता जी के, आओ चलो दिखाएंगे आपको कि किस तरह है। आज जैसा कि बता रहे थे कि तीन लोग आते हैं अपने आप को पुलिस बताकर, और ये देखो ये देख सकते हैं ये माता जी हैं, तबीयत सही नहीं है, ये अभी इस हालात में नहीं है कि बातचीत कर सकें, और ये देखें बुजुर्ग माता जी हैं, इन पर थप्पड़ मार, आपसे आपसे लिया था, इधर आ जाए जरा, आपसे फोन ही छीन लिया था, मैं किसी को पड़ोस में बुलाऊं भी फोन करके कि आके इन्हें बचा लो, मेरे हाथ में बच्ची है, बच्ची मेरे हाथ से गिर गई, फोन मेरे हाथ से छीन लिया, मैं किसको बुलाऊं, ये देखें छोटा सा बच्चा है, इतनी सी छोटी सी बच्ची के सामने दो महीने का बच्चा, खतरनाक दृश्य चल रहा है, तो इसका कितना बड़ा दिल होगा, ये इसे सहन पाएगी नहीं सहन पाएगी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, जब उस जो इस महिला के साथ किया गया है उस महिला को सहम गई, तो इस बच्ची का क्यों सहमना कोई लाजमी नहीं है। मेरा कहना यह है, मैंने जितना भी वाक्य इस बात को सुना है, मैं इस मोहल्ले का हूँ, साहिल मेरा ऐसा पड़ोसी है, मेरा दोस्त भी है, तो मैं इसलिए इस वाक्य को सुनकर ये कहना चाहूंगा कि हमारे आज ये हमारा ही घर है, हम इस वाक्य को सुनकर ये बोलना चाहेंगे कि हमारे घर पे पुलिस के नाम पे गुंडे जो आए थे, साफ साफ अक्षरों में गुंडे, मैं उनको बोलना चाहूंगा क्यों, किस कानून में ये लिखा गया है कि वो हम पे हाथ छोड़ सकते हैं, पहले अभी इस लड़के ने
क्राइम किया है नहीं करा, उससे मुझे लेना देना कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता इसने क्या किया है नहीं किया है। आपको इसको ले जाना चाहिए था बाकायदा इज्जत से, आप इसके साथ थाने चौकी कोर्ट कचहरी की है, ये हमारा लॉ है, इसके अकॉर्डिंग है, हम आप पे नोटिस भी देते हैं, हम इस पे आप पे प्राउड करते हैं और हम बेखौफ जीते हैं आपके ऊपर। आप तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो पूरी गली में एक डर का माहौल है, डर का माहौल इसलिए है क्योंकि पता नहीं कब कहाँ कौन आ जाए, पुलिस आए या गुंडे आए कुछ नहीं पता रहता जी। तो जो मैं बोल रहा था कि हमारे पुलिस के नाम पर जो हमारे गुंडे दाखिल हुए हैं हमारे घर में, ठीक है, मैं प्रशासन से और सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि हम जिसके ऊपर उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हमारे कभी सुरक्षा करेंगे, वही आज हमें मार रहे हैं, तो हम किसके ऊपर करें और किस कानून में हम पे हाथ छोड़ा गया लिखा गया है? इस लड़के को आप ले जाते कानूनी तरीका करते, और सबसे बड़ी बात क्या क्या अगर मैं सजा करता हूं तो क्या उसकी हकदार मेरी माँ है? क्या उसमें मेरी पत्नी इन्वॉल्व है? क्या मेरी एक छोटी सी बच्ची इन्वॉल्व है? अगर मेरी माँ या पत्नी या छोटी सी बच्ची को कुछ भी हो जाता है इस सदमे के, ठीक है, उसके सामने उस पूरे परिवार को मारा जा रहा है, इस सदमे को नहीं कोई झेल पाता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? ये अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, ठीक है, एक छोटी सी बच्ची है, दो महीने की बच्ची, वो कितना ही देख पाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप कोई भी बात है, आप सबसे बड़ी बात आप एक पहरादार लगा के अंदर जा रहे हैं ताकि कोई अंदर ना आ पाए, हम क्या कर रहे हैं ताकि आपका कोई गवाह खड़ा ना हो जाए कि हम अंदर क्या दृश्य कर रहे हैं? आप गुंडागर्दी कर रहे हो क्या थोड़े से पैसों के लिए? एक परिवार की कीमत आपने पैसों से तोल दी, ठीक है, एक व्यक्ति को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो, किस ब्याह पे ले रहे हो, जब सामने वाले व्यक्ति आपको सारे सबूत दिखा रहा है, उसके बावजूद आपने उसके घर पे जाके इतने गुंडागर्दी करी है, इसके जवाब हमें कौन देगा? मेरा कहना ये है इन पुलिस वालों को सामने खड़ा करा जाए मेरे, ठीक है, मैं इनसे सवाल कुछ करना चाहता हूं। अगर जितनी भी इन्होंने आज तक पढ़ाई करी है और जिन्होंने इन्हें कानून पढ़ा है, अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं इनकी जगह ड्यूटी लग जाता, ठीक है, अगर ये ड्यूटी लगे हैं तो कुछ पढ़ के ही लगे होंगे ना, तो मैं इनके मुंह से कानून जानना चाहूंगा एकाध, क्या वो हमारे हक में है या नहीं है, हम आप पे विश्वास करें या ना करें, क्या आप गुंडे हो या पुलिस वाले हो, हमें दृश्य तो बता दो, तो उसके बाद फिर हम अपना कानून खुद तय करेंगे ना, हम अपने रक्षक खुद बन जाएंगे। अब आगे तो यही करना पड़ेगा ना, आप इतनी पढ़ाई करके आ रहे हो, क्या आपको पता है कि आप पढ़ाई करके आए हो, आपको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें आप कैसे प्रोटेक्शन दोगे? जो कानून समझाता है और बताता है उसको ही वो तोड़ देता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हमने ऐसा कोई क्राइम किया है तो हमें सजा मिलती है, इनको क्या सजा मिलेगी? क्या सजा मिलेगी बिल्कुल, क्या नाम आपका? मेरा नाम अर्जुन साहू है, अर्जुन साहू। और आप देख सकते हैं फरीदाबाद की पूरी गली यहाँ इकट्ठी है। मैं तो साफ साफ अक्षरों में ये कहना चाहता हूँ, वो सिविल वर्दी में आए हैं, हमारी माताएं बहनें, ये तो नहीं है कि डेली चौकी में शकल जानती कि पुलिस वाला है। आप साफ साफ अक्षरों में पहली बात तो वर्दी में आए नहीं हो, तो आपको कोई कैसे पहचानेगा, और पहचान भी लिया तो आपने हाथ कैसे उठा दिया? ठीक है, हम इसके ऊपर पक्की कार्रवाई चाहते हैं, अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होगी हम सीएपी ऑफिस जाएंगे, किशन पाल जी के पास जाएंगे, हम कानून का हक मांगेंगे कि कानून की किताबों में लिखा गया है ऐसा, जो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं तमाम गली यहाँ इकट्ठी है, और आपको बता दें कि जैसा कि ये बता रहे थे कि तीन लोग आते हैं सुबह सुबह घर में आते हैं और किस तरह से हाथापाई करते हैं, महिलाओं के साथ हाथापाई करते हैं, मोबाइल छीनते हैं उनका, मारपीट कि इसको मैं लेके जा रहा हूँ और इसकी लाश ही वापस आएगी, फिर ड्रामे करना तुम लोग। अच्छा पुलिस वाला? हाँ पुलिस वाला कहता है, कॉन्स्टेबल है वो, नाम मुझे पता नहीं, ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है, क्या नाम था? उम्मीद नाम था उसका। मेरे से कहता है कि लाश इसकी वापस आएगी तो तू लाश बिछा के ही दिखा दियो। तो आप समझ सकते हैं फरीदाबाद के किस तरह से किसी के घर में छोटी बच्चियों के साथ कैमरा कर और जिनके ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, और ये देख सकते हैं महिला है, दो महीने का बच्चा है, जिससे ये बोल के जाए कोई उसके पति के बारे में, कंडीशन में मैं लेटी हूँ, किस कंडीशन में नहीं हूँ, जाते ही सीधा गेट खोल दिया, ऐसे कौन गेट खोलता है? सीधा कमरे में? हाँ, सीधा कमरे में ही एंट्री ली है उन लोगों ने। तो आप समझ सकते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये कहाँ तक ठीक है, और इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया है जो लोग हैं, पुलिस है या जो भी है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि तीन लोग आए और किसी महिला से उसके पति के बारे में इस तरह से कोई बोल के जाए कि अब इसकी लाश ही वापस आएगी, तुम बहुत ड्रामे कर रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ। पूरा जो ये मोहल्ला है, पूरी गली यहाँ इकट्ठी है, ये पूरी दहशत में है कि आज यहाँ जो इस घर में हुआ है वो कल को कहीं हमारे घर में भी ना हो, कोई भी आकर घुस सकता है और कह देगा कि मैं पुलिस हूँ और इस तरह की हरकत करेगा
तो जैसा कि परिवार चाहता है, तो अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं इसके ऊपर, FIR जी। वो तो गुंडे हैं तो वर्दी उतार के गुंडागर्दी करो ना, तब हम बताएंगे ना आपको। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस का टैग हटा दो और उसके बाद घुस जाओ। अगर हम घुस जानते हैं आपको तो ठीक है, आपके आपके पैरों के नीचे निकल जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ वर्दी उतारो और फिर भिड़ो हमसे। जो हमारी माता और बहनों पे जो आपने हाथ उठाया है ना वर्दी के आड़ में, तो वर्दी को साइड रखिए। हमने वर्दी का मान रखा लेकिन आपने नहीं रखा, ठीक है? तो इनसे वर्दी ली जाए इनकी वापस। जिस तरह का दुर्व्यवहार किया है इन्होंने, ये चाहते हैं कि प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और जो जैसा कि ये पूरा मामला है, जो केस है, जैसा कि वो बता रहे थे कि जहां लड़ाई हुई थी जिससे भी, उसने साफ साफ लिख के दे दिया है कि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ इस तरह से इनके घर में घुसकर मारना पीटना धमकाना, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है जी। ये देखें किस तरह से, ये देख सकते हैं, ये देखें, ये जो मारा है आप देख रहे हैं पूरा लाल, ये देखें क्या मारा है और किस तरह से। अगर सिविल में आता तो वह देख ही लेते बढ़िया तरीके से। उसने छूटते मेरे बात पाई चालू कर दी। अब फैमिली देखेगी तो होपलेस तो होगी ना। और फिर उसके बाद जब उसके साथ हमारा टाइम आया ना आता करने का, तो महावीर आईओ कहता है उस कांस्टेबल को कि SHO है, जबकि महावीर आईओ उसने मेरे से कोई बदतमीजी नहीं करी, पर जो उसके साथ कांस्टेबल था ना उसने बदतमीजी, मैंने हाँ सिर्फ वो धमकी दे रहा था, वो मुंह से बदतमीजी कर रहा था, पर उसने, पर उमेद नाम है जो भी है PSO एजेंट जो भी है वो है, उसने हाथापाई करी। उसने नाम कैसे पता है? नाम इसलिए पता क्योंकि जो पुष्कर है जिसने केस कर रखा, जिसने रिटर्न में 24 तारीख को दिया कि भी साहिल नाम का लड़का नहीं था, फिर एफिडेविट दिया 18 तारीख को कि ये लड़का नहीं था, तो उसको तो सबके नाम पता है ना, उससे मेरी डायरेक्ट। हाँ हम तो जानते हो ना कि ये पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले नहीं, नहीं मैं भी क्यों जानता, आज तक मिला नहीं उनसे। ऊपर से आती तो सीधे गुद्दी पकड़ी उन्होंने, मेरी हाथापाई चालू कर दी। जैसे उन्होंने पूछा वो था नहीं था कुछ, आप बता रहे थे कि उनका किसी का नाम उमेद था और हाँ, कोई वो, तो वो आपको पुष्कर से पता लगी ना। और महावीर की मेरे पास कॉल आई थी, महावीर की एक दो बार कॉल है तो मेरी कॉल भी बात होगी जी, ठीक है आपको मैं रिटर्न में लिखवा के दे देता हूँ। रिटर्न में दे दिया, फिर दोबारा फोन करता है एक महीने बाद, इस केस को 2 महीने हो चुके हैं, तीसरा महीना चल रहा बताओ। जबकि दूसरी पार्टी का कोई वो नहीं है, उसने साफ मना कर दिया, उसके बाद भी जबरदस्ती घटी। और जो उन्होंने बदतमीजी करी ना, बस बदतमीजी होगी जो होगी, पर अब हमें कार्रवाई करनी है। इंसाफ तो क्या ही दिलवाएंगे, इंसाफ तो उनके कौन सा वर्दी उतरे, पर उस पर कार्रवाई होगी, केस करेंगे उन पर। तो यहाँ कहीं तो आसपास कोई CCTV लगा होगा जिसमें फुटेज आई होगी कि ये लोग अंदर क्या था। हाँ ये दे रहा ना फुटेज है, क्यों नहीं फुटेज है? हाँ एक बंदा बाहर भी खड़ा रहा है, वो आप समझ जाओगे देख के कि 2-3 बंदे आए, 2 बंदे अंदर एक बंदा बाहर है। अगर हम उनके साथ बदतमीजी करते तो क्या वो अंदर नहीं जाता? कि मेरे महकमों के मेरे आदमियों के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो खड़ा रहेगा क्या? पर उसको दिख रहा था ना कोई अंदर नहीं था, हम मैं था सिर्फ, और सारी लेडीज थी, मम्मी थी, वाइफ थी और किरादर क्या बोलेंगे बेचारे। बिल्कुल। और माता जी को तो हमने दिखाया किस तरह से वो पड़ी है अभी भी। तो फरीदाबाद हॉस्पिटल में उसको ले जाने में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हॉस्पिटल तो और कोई पहुंच जाता बढ़िया तरीके से, बस उसको ले जाने में दिक्कत होगी। बस जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।